अर्जुन बेस्ट सिटी लाइब्रेरी हल्द्वानी के फेसबुक पेज पर की जा रही व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही रोचक विषय हैंडेडनेस इन सोसाइटी पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी जुड़े हैं। डॉक्टर दिनेश कांडपाल सहायक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। आपका शोध हैंडेडनेस पे रहा है, जहाँ आपने लगभग 4000 से ज्यादा दाएं और बाएं हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों से बात की और उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया। दुनिया भर में हो रही शोध हमें बताती है कि दुनिया भर में बाएं हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं, और ऐसी ही कुछ ज्यादा रोचक जानकारी आज हमें अपने शोध के द्वारा डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी देंगे, जहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जितनी कुशलता से बाएं हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति दाएं हाथ का उपयोग कर सकते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि उतनी ही कुशलता से वो दाएं हाथ का उपयोग भी कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग, महात्मा गांधी, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे आदि सभी महान व्यक्ति ये लेफ्ट हैंडेड थे। और आगे मैं स्वागत करता हूँ सर आपका, आप अपनी बात रखें और स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार प्रणाम। और मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव आया हूँ। और खास तौर से जो शीर्षक आज हैंडेडनेस पे मैं बात करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों से, उसमें जिन गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिला, मैं सबसे पहले उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी जी, एसोसिएट प्रोफेसर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, प्रोफेसर जे के जोशी जी, पूर्व निदेशक स्कूल ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में विभागाध्यक्ष, उन सबको मैं नमन करता हूँ उनके आशीर्वाद जो मुझे मिला है उसके लिए। और साथ ही मैं अर्जुन बिष्ट जी का और किरण पांडे जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज आप सबके सम्मुख लाइव आऊँ और एक सामाजिक विषय पर मैं आप सभी लोगों से बात करूं। और अभी क्योंकि ये रोज आप देख रहे हैं कि शाम को 4 बजे अर्जुन जी के अथक प्रयासों से जो है कोई न कोई विषय आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, हम सभी को सुनने को मिल रहा है, बहुत सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं अभी तक, मैं भी प्रतिदिन उनको देखता हूँ और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वो कोई किसी न किसी विषय पर एक समाधान लेकर के आते हैं और आपको समाधान बताते हैं, परंतु आज मैं आपके सामने कोई समाधान लेकर तो नहीं आ रहा हूँ, एक समस्या जन लेकर जरूर आ रहा हूँ कि आप सभी उस समस्या को ध्यान से सुने। ये हमारे समाज की समस्या है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो हमारा जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में दो तरह के पॉपुलेशन है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, जैसे आप जानते ही हैं। और लेफ्ट हैंडेड जो है इसमें माइनॉरिटी में है और राइट हैंडेड जो है वो मेजोरिटी में है, क्योंकि जो मार्केट है वो बेसिकली मेजोरिटी को ध्यान में रख करके ही काम करता है। वो कोई भी काम करता है वो अपने टारगेट ऑडियंस को देखता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन से हैं और उन टारगेट ऑडियंस पर ही वो काम करता है। तो इसीलिए कई सारे जो हमारे डेली यूजेस के सामान हम यूज करते हैं उन सब में लेफ्ट हैंडर्स को वही चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं जो राइट हैंडर्स के लिए बनी हुई है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मैं आज किन किन मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ। एक तो मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ वो है हैंडेडनेस के बारे में, कि हैंडेडनेस है क्या चीज, दूसरा इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और ये पॉपुलेशन में कितना क्या रेशियो है पॉपुलेशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के पॉपुलेशन में, और सोसाइटी का मतलब क्या व्यू है, हमारी समाज इस बारे में क्या सोचता है, कौन कौन से जो लेफ्ट हैंडर हैं वो फेमस हैं और उन्होंने क्या नाम कमाया, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको हम राइट हैंडर में स्विच कर देते हैं या वो स्विच हो जाते हैं। तो इन सब बिंदुओं पर आज मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखना चाह रहा हूँ
और उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हैंडेडनेस है क्या चीज। हैंडेडनेस इज डिफाइंड एंड कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। मोस्ट पीपल ओपिनियन ऑन हैंडेडनेस इज दैट द हैंड विच वन यूज फॉर राइटिंग वर्क। जनरली हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति जिस हाथ से लिख रहा है तो उसको उसी हाथ का हम मान लेते हैं, या चाहे वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है या राइट हैंड से। सम रिसर्चर्स डिफाइंड इट एज द हैंड विच इज फास्टर एंड मोर प्रिसाइज फॉर परफॉर्मिंग मैनुअल टास्क। यानी कि मैनुअल टास्क जो ज्यादा जिस हाथ से करता है हम मान लेते हैं कि वो उसी हाथ से काम कर रहा है। सम ऑफ अदर स्कॉलर्स डिफाइन इट एज द प्रिफर्ड हैंड रिगार्डलेस ऑफ इट्स एबिलिटीज टू परफॉर्म, वेयर एज सम पीपल प्रिफर टू यूज देयर राइट हैंड और सम ऑफ देम यूज देयर लेफ्ट हैंड फॉर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। यानी कि जितने भी वो एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, जिस हाथ से भी कर रहे हैं ज्यादातर हम उसको ये मान लेते हैं कि वो उसी हाथ का बना हुआ है। तो इसमें हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो राइट हैंड से ही काम करते हैं, दाएं हाथ से ही काम करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड से काम करने के लिए पैदा हुए होते हैं, लेकिन उनको स्विच कर दिया जाता है, उनको जबरदस्ती करके उनको राइट हैंड में कन्वर्ट कराया जाता है। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि क्यों हमको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे सोसाइटी में, ये पहले तो जब विज्ञान नहीं था हमारे सामने, जब विज्ञान नहीं था, न्यूरो साइंस नहीं था, इमेज टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमें ब्रेन की इंफॉर्मेशन मालूम नहीं थी कि कैसे फंक्शन करता है और ब्रेन कैसे काम करता है, तब ये बात मानी जा सकती है कि समाज में एक मान्यता थी कि लेफ्ट हैंडर से ना काम ना कराया जाए, उसे राइट हैंड से कराया जाए। परंतु अब क्या है कि अब समाज में आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, आज इमेज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि आपको प्रत्येक जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका इमेज हमें मिल जाता है। तो हम इसको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के नज़रिए से भी देखते हैं कि क्या बायोलॉजी इसके बारे में कहती है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर। यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर जो हमारा ब्रेन है वो एक गोले की भांति है और उसके दो भाग किए गए हैं, दो भाग हैं, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है एक राइट हेमिस्फीयर है। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है हमारे शरीर को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी हमारे शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है, और जो हमारा दायां भाग है मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर है वो राइट हेमिस्फीयर हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी सारी इंफॉर्मेशन वो राइट से लेफ्ट कंट्रोल करता है। यानी जब आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है, तो जब पैरालाइज होता है उसका राइट पार्ट उसका बॉडी का पैरालाइज हुआ है तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसका लेफ्ट ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है और जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। इसी प्रकार जब व्यक्ति जन्म लेता है और उस वो जिस ब्रेन से बना हुआ, जिस ब्रेन का बना होता है, यानी जो ब्रेन का पार्ट उसका स्ट्रांग होता है, अगर उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो वो राइट हैंड से ज़्यादा काम करना पसंद करेगा, अगर उसका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो वो लेफ्ट पार्ट से अपने शरीर के लेफ्ट भाग से बाएं भाग से काम करना पसंद करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो हम दाएं हाथ और बाएं हाथ की बात करते हैं वो हमारे शारीरिक बनावट के कारण है, ना कि मान्यताओं के अनुसार। तो आज विज्ञान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है और इस प्रोग्रेस के कारण हम इन सारे तथ्यों को सामने ला सकते हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आज इमेज टेक्नोलॉजी है। इमेज टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि CAT है, स्कैन है, कैट स्कैन हम करते हैं, MRI है, जैसे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कंप्यूटर इमेजेस ऑफ द ब्रेन इंटरनल स्ट्रक्चर टू वेरी रिलायबल एंड वैलिड टूल्स आर बीइंग यूज्ड। वन टू सी एंड ऑब्जर्व द ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि जो CAT है, कंप्यूटराइज एक्सरे टोमोग्राफी जो है वो ब्रेन को ऑब्जर्व करता है, उसके स्ट्रक्चर को। और जो MRI, हम जनरली आप उसको सुना होगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके जरिए क्या होता है कि वो ब्रेन के फंक्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा
अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी है। अल्ट्रासाउंड हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके जो फीटस है 10 से 12 हफ्ते में उनका जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उससे भी हमें ये पता लग जाता है कि बच्चा कौन से हैंड को मूव ज़्यादा कर रहा है। यानी ये टेक्नोलॉजी आजकल जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है इससे बहुत सारी बातें हमें इस जानकारी मिल जाती है कि बच्चा आने वाले समय में किस हैंड से ज़्यादा काम करेगा। यानी कि जो हैंडेडनेस है वो उसके तीसरे महीने में यानी प्रेगनेंसी के दौरान थर्ड मंथ में ही पता चल जाती है अगर उसको साइंस के द्वारा हम पता लगाएं। इसी में डॉक्टर रोबर्ट स्प्रे है, उन्होंने जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के हैं उन्होंने रिसर्च की थी कि रिसर्च कंडक्टेड दैट द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट फंक्शन दैट आर नॉट रियली इंटरचेंजेबल। स्प्रे वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। यानी उन्होंने ये बात बताई थी सबसे पहले कि हमारे जो ब्रेन के दो भाग हैं उनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो अपनी जगह ही काम करते रहते हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट पार्ट के लिए काम कर रहा है ज़्यादातर, और राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट लेफ्ट पार्ट के लिए यानी शरीर के बाएं भाग को चला रहा है। तो इसलिए अगर हम बच्चे को स्विचिंग कराना चाहेंगे तो बच्चा जो है वो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे। अब ये जो लेफ्ट ब्रेन वर्सेज राइट ब्रेन की बात है तो यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन है जो लेफ्ट ब्रेन में स्ट्रांग होते हैं और कुछ ऐसे फंक्शन है जो राइट ब्रेन में स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एनालिटिकल थॉट, लेफ्ट ब्रेन की फंक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट ब्रेन का मतलब राइट हैंडेड पर्सन, जो राइट हैंडेड होगा उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा और उसके लेफ्ट ब्रेन में एनालिटिकल थॉट, लॉजिक, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी ये सारी एक्टिविटी उसकी जो होंगी वो स्ट्रांग होंगी क्योंकि वो उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है और उसका शरीर का दाया भाग स्ट्रांग है उसके कारण। और जो राइट ब्रेन फंक्शन है, राइट ब्रेन फंक्शन में जो होलिस्टिक थॉट है, समग्र विचार, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूजिक, तो ये जो है वो राइट ब्रेन में ज़्यादा स्ट्रांग पाए जाते हैं, ऐसी रिसर्चर्स कहते हैं, ऐसे शोध बताते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट ब्रेन में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। राइट ब्रेन का मतलब लेफ्ट हैंडेड जो चिल्ड्रन हैं उनके उनमें ये क्वालिटी ज़्यादा होंगी क्योंकि राइट ब्रेन जो है वो हमारा लेफ्ट पार्ट को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्टीज हैं वो ही राइट हैं ब्रेन में, यानी लेफ्टीज आर राइट, वो राइट उनका जो ब्रेन है वो राइट ब्रेन ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये सारी क्वालिटी जो है होलिस्टिक थॉट, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड म्यूजिक में वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी प्रकार अगर हम पॉपुलेशन में देखें, पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है, क्योंकि कहीं पर भी अभी सेंसस में ये पॉइंट तो होता नहीं है कि आप जब जनगणना होती है तो वहाँ पर बहुत सारी जनगणनाएं हमारी सरकारें कराती हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने जानवर हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखते होंगे। अभी आने वाले टाइम में सेंसस जब होगा तो उसमें बहुत सारे बिंदु तो होते हैं जनगणना के, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं होती है कि आप कौन से हैंड को प्रेफर करते हैं, किससे आप ज़्यादा काम करते हैं। अगर ऐसा सरकारें करती तो क्या होता कि हमारे जो डेटा है वो हमें एग्जैक्ट मिल पाता। ये जो जितना भी डेटा हमने इकट्ठा किया है, ये सूचनाएं हैं, इनको कह सकते हैं जो सूचनाएं हमने इकट्ठा की हैं, ये सूचनाएं रिसर्चेस पर बेस्ड हैं और शोध जो है वो एक छोटे एरिया में किया जाता है, तो उस एरिया के हिसाब से जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों को हम अगर जनरलाइज करने की बात करते हैं तो ये हम सामान्य बात तैयार करते हैं। और ये इसके अनुसार 90% जो पॉपुलेशन है वो माना जाता है कि वो राइट हैंडेड है और इस 10% पॉपुलेशन को लेफ्ट हैंडेड मानते हैं, जबकि 1% जो पॉपुलेशन दोनों को मिला के वो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। और एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है कि जो व्यक्ति दोनों हाथों से बराबर काम कर सकते हैं, यानी इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने दोनों हाथों को बराबर चला लेते हैं, तो ऐसे लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाते हैं और इनकी पॉपुलेशन जो है वो 1% के करीब है, जबकि 10% जो पॉपुलेशन है वो लेफ्ट हैंडर्स की है और 90% पॉपुलेशन राइट हैंडर्स की, यानी कि राइट हैंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट हैंडर्स जो है वो माइनॉरिटी में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब ये एग्जैक्ट डेटा हमारे पास है नहीं, एक जो डेटा है ये रिसर्च के दौरान
प्राप्त हुआ है और अलग अलग देशों में ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं, और इसी आंकड़ों के आधार पर हम इस बात को कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो इस तरह की पॉपुलेशन है। द स्टडी ऑफ गिल्बर्ट एंड वाइसोकी शोज दैट द रेट ऑफ लेफ्ट हैंडेडनेस इज अप्रोक्सीमेटली 13% इन मेल एंड 11% इन फीमेल। यानी जो ये जो लेफ्ट हैंडेडनेस है, ये जो रिसर्च बता रही है, रिसर्च के अनुसार जो है वो मेल्स में 30% पाया जाता है लेफ्ट हैंडेडनेस, और फीमेल में ये 11% है। ये बात मैं आपसे बता ही चुका हूँ, क्योंकि अगर ये डेटा जो है एग्जैक्ट तभी हो पाता जब हमको जनगणना के आंकड़ों में इस बात को भी दर्शाया जाता कि व्यक्ति कौन व्यक्ति लेफ्ट हैंडर है और कौन राइट हैंडर है। तो हमारे देश की जो 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर हम ये जनरल बात को मान लें कि 10% लेफ्ट हैंडर है, तो 13 करोड़ लोग लगभग हमारे देश में होने चाहिए लेफ्ट हैंडर, परंतु हमारे पास इसके एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है। और अगर सरकारें आगे भविष्य में इस पर काम करेंगी तो बहुत आसान तरीका है, सेंसस में एक कॉलम उनको और बनाना होगा कि वो कौन से हैंडेडनेस हैंड वाले बच्चे हैं, हैंड डोमिनेंस वाले, तो उसको वो उसमें उस कॉलम में उसको एंट्री किया जा सकता है, यानी हमको एग्जैक्ट आंकड़े मिल सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, क्या विचार करती है कि क्यों ये हैंडेडनेस के बारे में कैसे हुआ और क्या समाज में हो रहा है। ऐतिहासिक पक्ष की तरफ देखें तो जो लैटिन है, लैटिन लैंग्वेज बेस लैंग्वेज ऑफ मैनी यूरोपियन लैंग्वेज, जो लैटिन लैंग्वेज है वो बहुत सारी यूरोपियन भाषाओं की जो है वो बेस लैंग्वेज है, आधारभूत भाषा है उसकी। तो उस भाषा में इस लेफ्ट हैंडर्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर इसका मतलब है लेफ्ट यानी बायां, और उसको दूसरा मीनिंग भी दिया गया अनलक्की। यानी इतिहास में जब भाषा का विकास हो रहा है तो भाषा के विकास में भी उस शब्दों का प्रयोग किया गया है। फ्रेंच वर्ड जो है वो गॉच मीन्स लेफ्ट एज वेल एज ऑकवर्ड। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड है उनको ऑकवर्ड का वर्ड दिया गया है। स्पेनिश वर्ड जो है वो उसमें मैलिशियस के नाम से इनको कहा गया है लेफ्ट हैंडर्स को। इटालियन में इनको मैंसिनो कहा जाता है जिसको मतलब है डिफेक्टिव। रशियन वर्ड जो है नोलेवो जिसका मतलब है स्नेकी वे टेढ़ा मेढ़ा। यानी आप देख रहे हैं कि इतिहास जब भाषा का निर्माण हो रहा था तो भाषा के निर्माण में लेफ्ट हैंडर्स को वो महत्वता नहीं दी गई। जैसे आज जो भी शोध हो रहे हैं, जो आविष्कार हो रहे हैं, कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा है, मोबाइल फोन का आविष्कार हो रहा है, SMS है, MMS है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको उसी तरह नाम दिया जा रहा है उनके वर्किंग स्टाइल के हिसाब से। जब हमारे भाषाएं का निर्माण हो रहा था, भाषाओं का गठन हो रहा था, तो इस तरह के वर्ड जो है वो लेफ्ट हैंडर्स को अलग अलग देशों में दिए गए। अब भारत की बात करें तो भारत में हम क्या कहते हैं, उल्टा हाथ वाला, उल्टा हाथ और खब्बू भी बोल देते कहीं, ये बाएं हाथ। यानी उल्टा क्या है, इसको उल्टा क्यों कहा जाता है, जबकि राइट हैंडर को सीधा हाथ, राइट का मतलब करेक्ट, लेफ्ट का मतलब उल्टा। ये जो गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हुई है, ये ऐतिहासिक स्तर से हुई है। यानी पहले शुरुआत से ही लेफ्ट हैंडर्स को महत्व नहीं दिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि जो पॉपुलेशन थी वो 50-50% थी लगभग, राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि समाज में लेफ्ट हैंडर्स को माइनॉरिटी में आने दिया गया, उनके हिसाब से उनको चलने नहीं दिया गया, उनके लिए चीज़ें तैयार नहीं की गई, और उनको जो है ऐसे वातावरण में रहने नहीं दिया गया कि वो अपने स्वेच्छा से काम कर सके। आपने देखा होगा कि आप अगर आपके आसपास भी कुछ लेफ्ट हैंडर बच्चे होंगे तो उनके पेरेंट्स जो हैं उनके जब वो बचपन में लेफ्ट हैंड से खाना शुरू कर देते हैं, जब बच्चे स्वयं खाना शुरू करते हैं तो उनका बाएं हाथ बांध देते हैं, तो बाएं हाथ बांध रहे उसके कारण तुम जबरदस्ती राइट हैंड से खाओ, या और कोई एक्टिविटी करता है उसे मना कर देते हैं, उससे राइट हैंड से करवाते हैं। तो दीज नेगेटिव मीनिंग ब्रिंग्स अबाउट सोशल वर्ल्ड वेयर लेफ्ट हैंडेड क्या है वो इन सब चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो इसी कारण से क्या हो रहा कि धीरे 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 हैंडेडनेस जो है वो कम होती चली गई। जब मैं इस विषय पर शोध कर रहा था तो मैंने जो सैंपल लिए उस सैंपल में मैंने एक कॉलम ये भी रखा था कि आपके पेरेंट्स क्या लेफ्ट हैंडर हैं या नहीं। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनकी मदर लेफ्ट हैंडेड है
या उनके पेरेंट्स में फादर लेफ्ट हैंडेड है या उनके दादाजी नानाजी कोई ना कोई उनके लेफ्ट हैंडर है। इसका मतलब कि यह है कि जेनेटिक में भी ये कहीं ना कहीं इसका रोल होता है, यानी जो जिनके माता पिता जैसे अमिताभ बच्चन की हमारे लेफ्ट हैंडर है तो उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी लेफ्ट हैंडर है, यानी कहीं ना कहीं ये जेनेटिक भी आता है मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से, यानी किसी न किसी साइड से ये बच्चे में आ जाता है। और ये आना कोई आज साइंस के हिसाब से ये बहुत कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारे समाज के हिसाब से समाज इसको उतनी मान्यता नहीं दे रहा है। तो हमारे समाज में ये चाहिए कि इसके बारे में जागरूकता हो, और ये समस्या मैं इसीलिए आप सबके सामने लेकर आया हूँ कि हम अपने समाज को जागरूक करें कि जो हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से काम करने वाले बच्चे हैं उनको करने दिया जाए, और तभी उनका विकास उसी हिसाब से हो पाएगा। अभी दूसरा जो है डेक्स्टर मीन्स राइट, यानी कि जो राइट हैंडर के लिए जो वर्ड दिया गया है वो डेक्स्टर, और डेक्स्टरिटी वो मतलब है मैनुअल स्किल, यानी कि जब जहां पर लेफ्ट को आप ऑकवर्ड कह रहे हैं सेम टाइम आप डेक्स्टरिटी का मतलब मैनुअल स्किल की बात करते हैं, राइट का मतलब करेक्ट। दूसरा कि राइट हैंडेड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर हमारे देश में हम जैसे रोड में चलते हैं तो हम लोग रोड के बाईं साइड चलते हैं, और कुछ देशों में रोड जो लोग हैं वो रोड में दाईं ओर चलते हैं। तो राइट हैंड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड इज 165 कंट्री, यानी 165 देशों में राइट हैंड ट्रांसपोर्ट है, और जबकि केवल 75 देशों में, उसमें भारत भी शामिल है, हमारा देश भी शामिल है, और ये 75 देशों में लेफ्ट हैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट में हम जो गाड़ी चलाते हैं हम रोड के बाईं ओर चलते हैं। तो यहाँ पर भी बाएं और दाएं का एक संग्राम सा दिख रहा है, और सिंस 1999 to 1986 34 लेफ्ट हैंड ट्रांसपोर्ट स्विच टू राइट हैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो 34 देश हैं उन्होंने अपने आप को लेफ्ट हैंड ट्रांसपोर्ट से स्विच कर लिया है राइट हैंड ट्रांसपोर्ट में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सरकारें भी हैं वो भी इस ओर स्विचिंग में जोर दे रही है। लेफ्ट हैंड पीपल मोस्टली स्विच टू राइट हैंडेड इन सो मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में ये प्रथा है कि उनको आप लेफ्ट हैंडर्स को राइट हैंड में स्विच कराया जाए। चाइना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर मोस्ट ऑफ द लेफ्ट हैंडर्स आर स्विच टू राइट हैंडर ड्यू टू डिफिकल्टी टू राइट चाइनीज कैरेक्टर, यानी जो चाइनीज कैरेक्टर है, जो चाइना के जो अल्फाबेट हैं मंदारिन लैंग्वेज है, ऐसा माना जाता है कि मंदारिन लैंग्वेज को लेफ्ट हैंडर को लिखने के लिए बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पर बचपन से ही बच्चों को राइट हैंड में स्विच कराया जाता है, उनको राइट हैंड से काम करने के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो इन बातों को अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हम क्यों अपने बच्चों को स्विच कराएं, यानी जो बच्चे जैसा जन्म लिया हुआ है उनको उसी तरह से रहने दें, उनको उसी प्रकार काम करने दिया जाए। तो यानी वो लेफ्ट हैंडेड बच्चा है तो पैदा हुआ है तो उसको लेफ्ट हैंड से यूज करना दिया जाए, और राइट हैंडेड है तो राइट हैंड से वो तो कर ही रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि फेमस इंडियन लेफ्ट हैंडर्स कौन कौन से हैं। अब हमारे देश में अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लेफ्ट हैंडर थे, और वो पूरे दुनिया में उनको स्वीकारा गया है, उनकी अहिंसा की बातें पूरी दुनिया स्वीकारती है, और उनको हर दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, वो लेफ्ट हैंडर थे। मदर टेरेसा को आप सब जानते हैं, मदर टेरेसा जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस का, तो वो भी लेफ्ट हैंडर थी। रानी लक्ष्मीबाई इतनी बड़ी वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, और वो भी लेफ्ट हैंडर थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। और धीरू भाई अम्बानी, इनमें एक नाम बहुत बड़ा नाम है धीरू भाई अम्बानी, अमिताभ बच्चन जी, रतन टाटा को आप जानते ही, रतन टाटा बहुत बड़ा नाम है, अभिषेक बच्चन, राहुल बजाज बजाज ऑटो के जो ओनर हैं, लक्ष्मी मित्तल जी हैं, रमन सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, रजनीकांत बहुत बड़े एक्टर हैं वो भी लेफ्ट हैंडर हैं, आशा पारेख, आशा भोसले, पंकज उदास, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, आशीष विद्यार्थी, राम कपूर, बिंदु दारा सिंह, कपिल शर्मा जो आजकल आप बहुत हम लोग सब देखते हैं कॉमेडी विद कपिल, तो वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। यानी कि लेफ्ट हैंडर जो लोग हैं फेमस लोग हैं वो अगर उनके हम पॉपुलेशन का रेशियो देखें, यानी कि 10% पॉपुलेशन है, लेकिन अगर उनका अचीवमेंट रेट देखें तो बहुत ज़्यादा है। 10% पॉपुलेशन में अगर पूरे वर्ल्ड वाइड हम सारे लेफ्ट हैंडर्स को ले लें तो वो बहुत ज़्यादा उनका जो अचीवमेंट है वो आपको दिखाई देगा।
दूसरी ओर अगर हम भारतीय टीम के क्रिकेटर्स को देखें तो हमारे एक टाइम जब हमारी जो टीम थी वो सौरभ गांगुली जी कैप्टन थे उस वक्त, तो हमारे 6 से ज्यादा प्लेयर जो है वो लेफ्ट हैंडर थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर जो है वो खेलते तो राइट हैं लेकिन वो है लेफ्ट हैंडर, वो लिखते ओवर सब लेफ्ट हैंड से करते हैं। अजीत वाडेकर जी हैं, रवि शास्त्री लेफ्ट हैंडर हैं, बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह, सौरभ गांगुली, विनोद कामली, युवराज सिंह, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, शिखर धवन, आरपी सिंह, जहीर खान, इरफान पठान, प्रज्ञान ओझा, पीयूष चावला, पार्थिव पटेल, हिम्मत बादानी, आशीष नेहरा, दिनेश मोगेन, बहुत सारे नाम हैं अभी जो मैं यहाँ पर ले भी नहीं पा रहा हूँ। तो जो लेफ्ट हैंडर हैं ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टेनिस हो या क्रिकेट हो या बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में भी लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यानी लेफ्ट हैंडर जो आगे बढ़े हैं उन्होंने नाम कमाया जरूर है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ वर्ल्ड वाइड की तस्वीर दिखाऊं जो लेफ्ट हैंडर्स की है, जो फेमस लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनके सौजन्य से आज हम ये आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ, मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ फेसबुक के जरिए। चार्ली चैपलिन, नेपोलियन बोनापार्ट, पिकासो का नाम आप जानते होंगे, माइकल जैक्सन, वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डा विंसी, बिल गेट्स, आप जानते हैं बिल गेट्स को, टॉम क्रूज, अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम, क्वीन विक्टोरिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यहाँ से देखो रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, ये अमेरिका के 5 लगातार राष्ट्रपति बने हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप से पहले, ये सारे लेफ्ट हैंडर थे। इनके अलावा अगर मैं आपको कुछ और फेमस फॉरेनर्स के नाम बताऊं तो उनमें आइजैक न्यूटन है, न्यूटन को सारी दुनिया जानती है, ग्रेविटेशन लॉ उन्होंने दिया था, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन को आप जानते हैं आइंस्टीन को, ओफ्रा विनफ्रे, जॉन एफ कैनेडी, जूलियस सीजर, जेके रोलिंग, एंजेलिना जॉली, लियो टोलस्टॉय, मार्क ट्विन, लुइस कैरोल, एलन बॉर्डर जो क्रिकेटर हैं, एलन बॉर्डर बहुत बड़ा नाम है, ब्रायन लारा, वसीम अकरम, एलिस्टर कंबेल, गैरी सोबर्स, डिएगो मैराडोना, गैरी कास्परोव, मार्टिना नवरातिलोवा, मोनिका शेलेस, रफाल नाडेल, बहुत सारे नाम हैं जो फेमस हैं और वो लेफ्ट हैंड से उन्होंने काम किया है। तो अगर हमारी सोसाइटी इन सब बातों पर ध्यान रखे कि जो इतने सारे फेमस लोग हैं, अगर इनको भी लेफ्ट हैंडर से काम नहीं करने दिया गया होता तो शायद ये भी क्या है, ये फेमस नहीं हुए होते। इसके अलावा क्या कि कुछ कारण हैं जिनके हम ये मानते हैं कि स्विचिंग क्यों होती है। अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो केव पेंटिंग्स हैं, केव ड्राइंग है, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों से तो ये पता चलता है, उनका अध्ययन करने पर ही पता चलता है कि जो केव पेंटिंग्स है उसमें ज़्यादातर जो ड्राइंग की गई है उसमें जो पॉपुलेशन अगर उसे मिलाई जाए तो वो इक्वली नज़र आती है, यानी लेफ्ट और राइट की जो पॉपुलेशन है, वो रिसर्चर ये बताते हैं कि जो केव पेंटिंग्स के दौरान की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर जो पॉपुलेशन लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड है वो इक्वली है लगभग, यानी इक्वल पॉपुलेशन है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हंटिंग टेक्निक आई, यानी लोग अपने भोजन के लिए शिकार करने लगे और आपस में एक दूसरे से जब युद्ध होने लगे, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में है, यानी हमारे बाईं ओर है, और अगर कोई लेफ्ट हैंडर लेफ्ट हैंड में तलवार पकड़ रखी उसने और राइट हैंड में वो ढाल उसके पास है, यानी जिसको शील्ड बोलते हैं, अगर वो शील्ड उसके राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में तलवार है, तो संभावना है कि उसको जो सामने से जो वार हो रहा है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, वो उसके हृदय तक पहुंच जाए, यानी उसके हार्ट तक भाला पहुंच लग जाए उसको, या कोई और उसको तलवार लग जाए। इसके लिए उसको जब हंटिंग में जाना होता था तो वो क्या करते थे कि अपने जो ढाल है उस ढाल को लेफ्ट हैंड में पकड़ लेते थे। लेफ्ट हैंड में पकड़ने से क्या है, उसको आप जब उसको आप अपने हार्ट के पास लगाए रखेंगे तो आप राइट हैंड से तलवार चलाएंगे,
तो वो क्या होगा कि आपको सेफ्टी ज्यादा देगा, यानी सेफ्टी परपज कि आप सेफ रहेंगे और आप जब जितने भी आपके हमले होंगे वो आपके डायरेक्ट जो वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर का हार्ट, उस पर हमला नहीं हो पाएगा और आपके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो इसके लिए उन्होंने इस बार पर सर जोर दिया कि आप जो है लेफ्ट हैंड का प्रयोग जो है वो ढाल को पकड़ने के लिए किया जाए, जबकि राइट हैंड में तलवार पकड़ी जाए। इसके अलावा अगर और भी हम बात देखें कि मोस्ट ऑफ द राइटिंग टेक्स प्लेस लेफ्ट टू राइट, यानी जितने भी हमारी भाषाएं हैं उसमें से अधिकतम जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में हम बाईं ओर से दाईं ओर को लिखते हैं, यानी जो हमारा लिखने की शैली है भाषाएं बाईं ओर से हम दाईं ओर लिखते हैं, यानी अक्षर माला जो है बाईं से दाईं ओर को चलती है और बहुत कम भाषाएं हैं जो दाईं ओर से बाईं को चलती है, जैसे उर्दू है या अन्य अरबिक लैंग्वेज है वो दाईं ओर से बाईं को चलती है, लेकिन ज्यादातर भाषाएं हैं वो लेफ्ट से राइट भी चलती है। अब जो लेफ्ट हैंडेड बच्चा है अगर वो लेफ्ट वाली लेफ्ट टू राइट वाली जो लैंग्वेज है, लेफ्ट टू राइट वाली लैंग्वेज को अगर वो लिखता है लेफ्ट टू राइट, तो जो उसने वर्ड शब्द जो है इमीडिएट लिखा है, अभी जो उसने लिखा है उस शब्द को वो तुरंत देख नहीं पाता, क्योंकि वो लिखता है तो हाथ से ढक जाता है। अब उसको उस शब्द को देखने के लिए थोड़ा समय की जरूरत है, जब तक तो आगे बढ़ जाता है फिर उसको लगता है कि कुछ मेरे से गलती हुई है या नहीं हुई है, तो देखने में उसको समय लग जाता है। तो ये हो सकता है कि वो स्विचिंग के कारण हो सकता है कि आप उस परिप्रेक्ष्य में आपको तुरंत आपने जो लिखा है उसकी मात्रा है सही है या नहीं है, उसके स्पेलिंग सही है या नहीं है देखने के लिए तो आपको राइट हैंड की तरफ कन्वर्ट किया गया। परंतु ऐसा जो राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस चल रही हैं उन लैंग्वेजेस के लिए ऐसा नहीं है। इवन सम ऑफ द होली बुक्स फ्रिक्वेंटली रिफर्स टू द लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंड इज एबल, यानी जो इसमें जो मैंने सूचनाएं पढ़ी, इंफॉर्मेशन पढ़ी, रिसर्चेस पढ़ी थी, उसमें डायरेक्टली बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा गया, बताया गया है कि उसको जो लेफ्ट हैंडेड है उसको एबल करके कहा गया है। यानी इसी के कारण हो सकता है कि जो ये स्विचिंग का मामला सामने आ रहा है कि बच्चे जो है वो लेफ्ट टू राइट स्विच हो रहे हैं। अब कुछ और रीजन है जो महत्वपूर्ण है जिनको हम आए दिन अपने आसपास देखते हैं, जैसे हम अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, अगर हम अपने घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो हमारा जो दरवाजे का जो हैंडल है वो राइट हैंड में होता है और राइट हैंडल के लिए वो बहुत आसान है उसको खोलना वो, और लेफ्ट हैंडल को उसके लिए दिक्कत होती है। यानी मैंने अपने घर में एक दरवाजे पर लेफ्ट हैंड पर हैंडल लगाया हुआ है और कई हमारे जितने मित्रगण राइट हैंडर आते हैं तो वो वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। तो सेम थिंग जो है वो उनके साथ भी होता है जो लेफ्ट हैंडर है वो राइट हैंडर्स के बने हुए दरवाजों को खोल रहे हैं। दूसरा, हमारी जो शर्ट हम पहन रहे हैं उस शर्ट का जो बटन है उस बटन हमेशा राइट हैंडर्स के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसको राइट साइड में लगाया गया है ताकि उसको पकड़ने में राइट हैंडर्स को आसानी हो, परंतु लेफ्ट हैंडर्स के लिए लेफ्ट हैंडर्स को भी वही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो उसके लिए राइट हैंडर्स के लिए बनी हुई है। अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं तो कोई सा भी उसका जो एक्सीलेटर है वो राइट साइड में ही है, उसका जो स्पीड बढ़ाने कम करने वाला जो इसमें लगा हुआ है वो उसकी दाईं तरफ है, यानी वहीं से आप स्पीड कंट्रोल करते हैं। हम आपस में हैंड शेक करते हैं तो जनरली हम अपना राइट हैंड ही आगे करते हैं लेफ्ट हैंड के बजाय, तो लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी ये मजबूरी है कि वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है। तो आर्मी में हम जाते हैं तो जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहाँ सैल्यूट जो सोल्जर हैं जो सैनिक हैं वो जो सैल्यूट मारते हैं वो राइट हैंड से करते हैं और उनके साथ ही जो वेपन्स हैंडलिंग करते हैं वो राइट हैंड में वेपन को पकड़ते हैं, तो ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो राइट हैंड के लिए बना हुआ है। आप अपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो देखते होंगे कि कीबोर्ड का जो नंबर जहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 0 to 9 वो नंबर राइट साइड में है, तो आपकी जो राइट हैंडर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो राइट हैंड में उस नंबर्स को पुश करते हैं जबकि लेफ्ट हैंडर्स को अपना राइट हैंड ही वहाँ ले जाना पड़ता है, तो उनके लिए जो है वो कीबोर्ड दूसरे तरह का होना चाहिए। आप जो माउस है उसी तरह से माउस, हम जो कंप्यूटर का माउस इस्तेमाल करते हैं माउस का लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक उसमें होता है, हम उसको राइट साइड में रख के लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करते हैं। अगर आप अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उस माउस को अपने लेफ्ट साइड में रखिए और उसका लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करके देखिए तो आपको कुछ अंतर महसूस होगा।
आपको कुछ समस्या होगी, तो ये समस्या जो है वो जो लैब वेंडर्स हैं उसको रोज फेस कर रहे हैं, रोज उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितने लोग जो हैं लेफ्ट हैंडर हैं और कितने राइट हैंडर हैं। इसी के अलावा जब हम अगर हम मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है तो मैथमेटिक्स वाले लोग जो हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज प्रॉब्लम, यानी कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको समस्या में रखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड सॉल्यूशन है। तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि राइट हैंड साइड को प्रॉब्लम रख के लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किया, ऐसा नहीं किया, तो बट हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रॉब्लम मान रहे हैं। स्कूल में जब हम, आप सब लोगों ने शायद ये बात देखा भी होगा कि एक हॉकी के आकार की कुर्सी होती है, यानी हॉकी के आकार की जो कुर्सी है वो उसका जो हैंडल होता है, अभी मैं आपको उसका चित्र दिखाऊंगा आगे, तो वो जो हैंडल है वो हैंडल राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। अब लेफ्ट हैंडर बच्चा स्कूल में जाता है और वो बैठता है उस कुर्सी पर, तो उसको लिखने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं जाता कि इस का समाधान क्या हो। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं और उस तरह के चेयर एग्जाम में लगे हुए हैं, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर राइट हैंडेड को वो चेयर उल्टा करके दे दी जाए, लेफ्ट हैंड साइड में उसका हैंडल लगा दिया जाए, तो कितना समस्यात्मक होगा उसके लिए लिखने में, 3 घंटे वो कैसे लिख पाएगा। तो ये जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा हमारे जो हमारे टेबल होती है जहाँ पर हमारी वर्किंग टेबल है उसमें दराज वगैरह लगाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो हम राइट साइड लगाते हैं। अब राइट साइड जिसने राइट हैंड से सामान निकालना है उसके लिए तो बहुत आसान है कि वो राइट हैंड खोलता है दराज के लिए और वो राइट साइड में सामान निकाल लेता है इजीली। परंतु जो लेफ्ट हैंडर है उसको क्रॉस करके लेफ्ट हैंड वहां ले जाके अपना काम करना पड़ता है। ड्राइविंग में कार की स्टीयरिंग है और आजकल जो स्वैपिंग मशीन आई है आपने देखा होगा जिसमें एटीएम कार्ड स्वैप करते हैं, उसका भी जो स्वैपिंग पार्ट है, स्वैपिंग जो उसमें एरिया बना हुआ है वो भी राइट हैंड साइड में बना हुआ है, यानी राइट हैंड साइड में उसका स्वैपिंग एरिया बना हुआ है। तो ये जो सारे जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है ये लेफ्ट हैंडर को ध्यान इसमें दिया ही नहीं गया है, राइट हैंडर्स ही इसमें मेजोरिटी में हैं और उन्हीं के ओर ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं, जिसके कारण एक समस्या हमारे लेफ्ट हैंडर्स के लिए पैदा हुई है और उस ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। यानी हमें इसकी ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं और इनका परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कम होने का कारण यही है कि ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा जो आपको अभी दिख रहा है होगा कि जो चेयर है, मैंने बताया था आपको हॉकी के आकार की चेयर जो है वो बिल्कुल भी क्लास में लेफ्ट हैंडर को ही सूट करती है, वो राइट हैंडर को सूट नहीं करती है। ये आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये जो चेयर है ये आप देखो, आपने शायद अपने स्कूल के दिनों की आपको याद आ गई होगी, सबको जो स्कूल में पढ़ते थे पहले, इस सारे चेयर जो है वो राइट हैंडर के लिए बनी हुई है, तो सो अनफेयर लिखा हुआ है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो लेफ्ट हैंडर्स को ध्यान में नहीं रख रहा है। यानी क्लास में जब पॉपुलेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम बच्चे से ये पूछते ही नहीं है कि आप लेफ्ट हैंडर हैं या राइट हैंडर, आपके लिए कैसे व्यवस्था की जाए, आपकी जो बैठने की व्यवस्था है, आपके सामने बोर्ड में टीचर्स किस तरह से आपको पढ़ाए, ये जो जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इन ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसीलिए मैं ये समस्या जो है आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ कि जो ये हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे आसपास के लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से छोटे बच्चे हैं, उन सबको कैसे हम मुख्य धारा में जोड़ें, उनके लिए कैसे हम ये सब चीज़ें बनाएं। अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे बनाए गए इंस्ट्रूमेंट हैं जो जहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स का के लिए बिल्कुल ध्यान रखा ही नहीं गया। अगर आपने कैमरा देखा होगा, फोटोग्राफी कैमरा, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको फोटोग्राफिक कैमरा, तो फोटोग्राफिक कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, यानी लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, सारे क्लिक राइट साइड में ही है, सब कुछ राइट साइड में ही है। तो क्या लेफ्ट हैंडर इन कैमरे को कैसे यूज करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को ढाल लिया है एक चीज में, अब वो
वो अपने आप को इन चीजों के लिए यूज टू बना रहा है, चीजें उसके लिए नहीं आ रही है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, वो निर्माता उन लेफ्ट हैंडर्स के लिए कोई ऐसी चीजें बना नहीं रहे, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता नहीं है कि कितने लोग लेफ्ट हैंडर हैं, कौन हमारे बायर्स हैं, कौन नहीं है। इसी कारण क्या हो रहा है कि ये सब चीजें उन लोगों के लिए वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो राइट हैंडर्स के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा हम डेली आप देखते होंगे कि घर में सीजर है, कैंची जो होती है, कैंची भी हम राइट हैंडर के लिए बनाते हैं, लेफ्ट हैंडर के लिए कैंची बनाई नहीं जाती। अब लेफ्ट हैंडर उसी कैंची से काटेगा कैसे? आपको दिख रहा है कि ये जो कैंची है ये राइट हैंडर्स के लिए बनी है, इसमें जो बड़ा वाला जो होल है वो राइट हैंड्स के लिए है, और छोटा वाला आप देख रहे हो कि राइट हैंडर इसको इजीली यूज कर सकता है। अब लेफ्ट हैंडर इसको यूज कैसे करेगा, उसके लिए बहुत समस्या है, लेकिन उसको करना पड़ता है। वो इन चीजों को फेस कर रहा है, वो देख उस, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं और दूसरा कोई विकल्प उसके लिए बचा नहीं है, विकल्प नहीं होने के कारण वो इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रहा है जो राइट हैंडर्स के लिए बनाई गई है। तो इसका जो कारण क्या है, इसका कारण जो मुझे लगता है कि हमने उनको डिफाइन ही नहीं किया कि हमारे जो आसपास के कितने लोग हैं जो लेफ्ट हैंड को प्रेफर करते हैं, जिनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए हम कैसे इन चीज़ों को तैयार करें। अब हम अगर स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेता है, अब छोटा बच्चा स्कूल में गया पहले दिन, आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वो एडमिशन दिला रहे हैं 2.5 साल में, कई सारे पेरेंट्स तो 2 साल में भेज रहे हैं। 2 साल 2.5 साल में बच्चे को ये पता नहीं कि मैं कौन से हाथ से लिखता हूँ, उसको जो है वो लाइन ड्रॉ कराते हैं स्कूल में, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन और जितने भी लाइन्स ड्रॉ कराते हैं, तो वो जो लाइन ड्रॉ करा रहे हैं बच्चे को ये पता ही नहीं है कि मेरा राइट हैंड काम नहीं करता है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन टीचर जो है उसको पेंसिल पकड़ा रही है राइट हैंड में उसको पेंसिल दे रही है। अब बच्चा जो है वो चाह रहा कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखूं, पेरेंट्स ने आज तक पता नहीं किया कि मेरा बच्चा लेफ्ट हैंड से काम करता है या राइट हैंड से। अब ऐसी स्थिति में बच्चे के सामने एक समस्या पैदा हो जाती है कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसके अंदर आने लगता है कि वो काम कर नहीं पा रहा राइट हैंड से उतना अच्छा जितना वो लेफ्ट हैंड से चला सकता है, लेकिन टीचर और घर में पेरेंट्स उसको राइट हैंड में पकड़ा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर टीचर्स को ये देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार वो बच्चों को प्रारंभिक स्थिति में, जब बच्चे पहले बार स्कूल जाते हैं, उसका जो एडमिशन फॉर्म होता है, उस एडमिशन फॉर्म में एक कॉलम ये जरूर बनाया जाए कि आपका बच्चा लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर। अगर वो लेफ्ट हैंडर है तो उसको उसी तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, उसी तरह का उसको उसी हाथ से करवाया जाए, उसको ड्रॉइंग उसी हाथ से कराए, उसको इंस्ट्रूमेंट वैसे दिए जाए, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस प्रकार से उसको प्रोवाइड कराया जाए जिस हैंड से बना हुआ है। परंतु ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल्स में बच्चों को जब एडमिशन होता है तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी उससे प्राप्त नहीं की जाती, उनसे जानकारी ली ही नहीं जाती है, और बच्चा इसको कई सालों तक फेस करता है और धीरे धीरे फिर वो क्या होता है अपने आप को स्विच कर लेता है राइट हैंड में। तो राइट हैंडर में अपने आप को स्विच करता है और वो न चाहते हुए भी राइट हैंड्स में से काम करने लगता है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि टीचर्स हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन हाउ टू टीच लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन प्रॉपरली बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर डेवलप्ड फॉर राइट हैंडेड लर्नर्स, यानी कि जो बहुत सारे जो मेथड हैं, टीचिंग मेथड हैं, उसमें कभी भी इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया कि लेफ्ट हैंडर्स से इनको कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं, केवल वो ज़्यादातर जो है वो फ़ायदा पहुँचाती है इसको राइट हैंडर्स को। तो राइट हैंडर्स ही उसमें बेनिफिट पा पाते हैं, यानी उनको फ़ायदा मिलता है, तो लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो मेथड बनाए नहीं जाते, यानी उनके लिए ये दूसरा है कि नो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट विद लेफ्ट हैंडेड टेकन एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन स्कूल, यानी टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो बच्चे पहले साल स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, यानी एक समस्या है, जब बच्चे फर्स्ट ईयर में स्कूल में पहुँचते हैं तो टीचर्स को इस बात को ट्रेन कराया जाए कि वो बच्चा कौन से हैंड से प्रिफेयर कर रहा है,
लेफ्ट हैंड प्रिफर करता है या राइट हैंड प्रिफर करता है। तो दिस डिफिकल्टी में रिजल्ट इन लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर ऐसी समस्याएं आएंगी बच्चों में तो उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं ज्यादा है। और स्कूल जो है वो स्कूल पहला स्थान है यानी पहला जगह है जहां बच्चे को ये पता लग पाता है कि वो कौन से हैंड से लिखता है या वो काम उसका ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है। तो जब मैं अपने इन शोध के लिए सैंपलिंग के लिए गया था बहुत सारे स्कूल में मैं गया, तो स्कूल में जो लेफ्ट हैंडेड बच्चे पहले थे वो बहुत ही कम है, आपको सैंपल के रूप में बच्चों को मिलना बहुत मुश्किल है। 11th क्लास के बच्चे यानी कि मैं अगर स्कूल में गया तो किसी स्कूल में मुझे 11th क्लास में दो बच्चे, कहीं पर मुझे तीन बच्चे, कहीं एक बच्चा, इस तरह से जो बच्चे स्कूल में अवेलेबल हैं 11th क्लास में। और 11th क्लास का सैंपल मैंने इसलिए अपने रिसर्च में लिया था क्योंकि मेरे इसमें एक वेरिएबल भी था जो एकेडमिक अचीवमेंट था, यानी कि बच्चों का जो 10th क्लास का रिजल्ट क्या था उसके आधार पर भी मैंने ये लिया था। परंतु मैं जब इस सैंपलिंग के लिए गया था तो मुझे लगा कि जो लेफ्ट हैंडर बच्चे हैं बहुत डिसिप्लिन हैं और उनकी जो राइटिंग है, उनकी ड्राइंग है वो बहुत अच्छा है और वो ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। और उनकी संख्या लेकिन बहुत कम ज़्यादा कम है स्कूलों में, और क्योंकि ये शुरू से ही क्लास वन से ही जब बच्चे स्विच कर दिए जाते हैं तो इस कारण से उनकी संख्या में कमी आ रही है। तो कमी आने का कारण क्या है कि पेरेंट्स भी उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब पेरेंट्स खुद ही इस बात पर लगे हैं कि मेरे बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंड से काम न करे। अब ऐतिहासिक स्तर पर अगर पहले होता होगा कि इतिहास में जब आज से 100 साल पहले 50 साल पहले जब इतनी जानकारियां नहीं थी, इतनी इमेज टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना हमारा कंप्यूटर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब हमारे पास सूचनाएं नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। परंतु आज सारी सूचनाएं हैं और इन सूचनाओं को हमें मद्देनजर रखते हुए इस समस्या जो मैं आपके सामने लाया हूँ आज, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे जो हमारे जो एक हमारे सोसाइटी में जो माइनॉरिटी है हैंडेडनेस के अंतर्गत यानी जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होते जा रही है, और इसको कैसे मेंटेन करा जाए कि किस तरह से उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। पेरेंट्स में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उनको कैसे अवेयर किया जाए और उनको हम इस बात को जा के बताएं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। इसके अलावा जो मैंने जो अपने शोध के अंतर्गत देखा था बच्चों को जो पेरेंटल एजुकेशन भी जो एक वेरिएबल मैंने लिया था उसमें, क्योंकि मैंने जो सर्वे किया था तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स का था और गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर उन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं जो एजुकेटेड कम हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, तो इसका भी कारण हो सकता है कि वहाँ पर जो उनकी संख्या है वो बहुत कम है, वो पहले से स्विच हो चुके हैं वो बच्चे, और स्कूल में जो है उनकी संख्या बहुत कम है। तो यानी जो हमने आज इस वार्तालाप में मैंने जो आज ये चर्चा में जो ये बात की है कि हैंडेडनेस के कारण क्या क्या हैं और कितने सारे जो लेफ्ट हैंडर मैंने आपको बताया जो फेमस हैं वो, और उनके अलावा कि स्विचिंग के क्या क्या कारण हैं इतिहास के हिसाब से ही, तो ये सारी बातें मैं आज आपके सामने लेके आया और कुछ बुक्स जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। हाउ ब्रेन लर्न से एक डेविड सोसा की बुक है, उसमें उन्होंने बताया कि ब्रेन कैसे लर्न करता है। द पजल्स ऑफ द लेफ्ट हैंडेडनेस रिक स्मिथ की बुक है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी बुक। द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंडर्स बुक है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल है। द राइट साइड ऑफ द ब्रेन बैटी एडवर्ड की बुक है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड चिल्ड्रन, ये जेनिफर स्टेट फिशर की एक रिसर्च है। तो बहुत सारी रिसर्चेज इस फील्ड में हुई हैं और इस ओर जो है अभी, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस ओर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना कि होना चाहिए कि हम कैसे जो पेरेंट्स को जनरली जो है ये बात पेरेंट्स को और प्राइमरी टीचर्स जो जनरली नर्सरी और LKG UKG स्तर में टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि वो
लेफ्ट हैंडर बच्चों को कैसे हैंडल करें, तो एक छोटा सा एक जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया था। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और कुछ जानकारी मेरे द्वारा आपको मिली होंगी। और अगर कोई आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस संबंध में। मैं आपको उम्मीद है जितना भी मुझे समझ में आया होगा मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो समाज में जो लोग हैं वो इस ओर ध्यान दें और जो हमारी माइनॉरिटी होगी ये लेफ्ट हैंडर्स उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करा जाए। और सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस साल जो है अभी हमारे जनगणना होने वाली है और जनगणना जब होगी तो उसमें एक कॉलम जरूर हमारी सरकार रखे कि किस प्रकार से एक लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर हैंडलनेस का एक कॉलम बनाया जाए कि उसमें कौन लेफ्ट हैंडर है कौन राइट हैंडर, जिससे एग्जैक्ट हमारे जो पॉपुलेशन है उसका हमें पता चल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो आपके सामने बात नहीं करने जा रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया था ये उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और मैं आपको यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट जब भी होगा मैं इस टॉपिक को आगे लेके आऊँगा। थैंक यू, नमस्कार। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.